ये सारी चीजें ऑटोमेट करके किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ओके एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स। ऑल्दो टेक्नोलॉजी अपनी शक्लें चेंज करती रहती है और डिफरेंट डिवाइसेस आती रहती हैं, लेकिन जो जेनेरिक कंप्यूटर है जिसको पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, इट इज गोइंग टू स्टे देयर। वी इमीडिएटली डोंट सी अ रिप्लेसमेंट फॉर दैट बिकॉज इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट और ज्यादा इसका यूजेज करता जा रहा है। So we want from you guys that you should know a little bit about the hardware of this computer because as you know, aaj se kuch saal pehle tak jab mobile phone aap purchase karte the, and by kuch saal I mean like 20 years or so, us waqt usko marketing karne ka angle kuch aur hota tha, lekin is waqt agar aap dekhen to marketing kis angle se ho rahi hai, kya kya usme features aise bata rahe hain, itne technical features wo bata rahe hain जो कि आज से पहले कभी भी नहीं बताते थे। उसकी हर एक को पता है जी रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, हर एक को पता है पीपीआई स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या होती है। पहले ये चीजें टेक्निकल उसमें फॉल करती थी, अब हर एक को पता है कि जी प्रोसेसर चिप जो है वो एक चीज होती है और उसकी उसके नंबर्स होते हैं, और मोस्टली जो कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनके नंबर्स, अगर वो बड़े नंबर्स होंगे तो वो अच्छा स्ट्रांग पावरफुल प्रोसेसर है, अगर छोटे नंबर होंगे तो वो एक थोड़ा वीक प्रोसेसर है। एवरीवन नोज अबाउट, एवरीवन is at least expected to, एक अवेयरनेस है जिसकी वजह से आप लोग एक बेटर परचेज डिसीजन करते हैं, प्राइस वैल्यू फॉर मनी देखते हैं अच्छी जिसमें आपको मिल जाए, राइट। तो इसी तरह की अवेयरनेस हम आपसे चाहते हैं कि आपको हार्डवेयर में मिल जाए थोड़ी सी। तो हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो कि आपको थोड़ा सा हार्डवेयर से रिलेटेड बातें बताएंगे, और कुछ चीज़ें उसके बाद फिर हम करेंगे जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगी। तो इस पूरे कोर्स का एक बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है वही होगा कि वी वांट यू गाइस टू बिकम फैमिलियर विद करंटली अवेलेबल हार्डवेयर, स्पेशली विच इज नॉट इजीली फ्रीक्वेंटली डिस्कस, विच इज द कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और उसके हार्डवेयर अगर आपने परचेज करना है अच्छा, तो आपको क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए, किस तरह की होंगी और उनकी वर्किंग क्या होती है। थोड़ी सी वर्किंग के बारे में भी ऑब्वियसली कुछ लोगों को वो इतना नहीं लगता, लेकिन वो भी हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर में हम चाहते हैं कि आपने देखा होगा पुराने गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या होता था, अभी भी होता है कि वहाँ पे हर काम के लिए एक स्टाफ उन्होंने अलग से रखा होता है, लेकिन अब आप देखें कि इवन गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी अब आप जो एग्जेक्टिव है वो अपना सारा काम खुद कर रहा है अपने कंप्यूटर पे। क्यों? उसमें एक सीक्रेसी आ जाती है। अब एक कॉन्फिडेंशियल लेटर अगर किसी बंदे ने टाइप करना है तो वो अगर अपने स्टाफ के पास भेजता था, उस स्टाफ के पास 10 बंदे उसको मिलने आते थे और सारी दुनिया को पता होता था कि ये ऑफिसर ने क्या क्या चीज़ें कही हैं और क्या, लेकिन अब क्या है कि वो अपने लैपटॉप पे खुद ही टाइप कर लेता है या ईमेल पे सेंड करता है या प्रिंट लेता है और उसको सील करके अपने स्टाफ को देता है कि इसको फलां जगह डिलीवर कर दे। तो इसलिए आपको उसका पता होना चाहिए। इसी तरह कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो, उनको स्टेटिस्टिक्स का नहीं पता, तो जो भी उनको एग्जैक्टिव स्टेटिस्टिक्स के बारे में बताते हैं कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो दे हैव टू एग्री टू दैट, they have no other choice। तो आप लोग अगर किसी भी डोमेन में होंगे, अगर आपके पास ये नॉलेज होगा कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है बेसिक लेवल पे, तो आप उसको खुद से कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग एटलीस्ट बेसिक कोर्स, तो आप उसके बारे में डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अच्छी बता सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जी कोर्स की जो है इंफॉर्मेशन कि ये क्यों ज़रूरी है, और ऑब्वियसली इसी से इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स भी निकलते हैं। ओके सो इसी तरह ये अगर आप देखें इसमें वी हैव दिस यू नो नोट्स अबाउट क्विजेज एंड अटेंडेंस एट्सेट्रा, बट आई हैव मेंशनड इन माय अर्लियर ईमेल दैट आई वोंट बी एम्फसाइजिंग ऑन फिजिकल अटेंडेंस टू मच। अगर आपको कोई भी मेडिकल सिम्टम्स होते हैं किसी भी तरह के, इवन स्लाइटेस्ट भी होते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप रेस्ट करें और घर में रहें, क्योंकि वी आर डूइंग एक्स्ट्रा एफर्ट। फिर आगे इसकी कोर्स आउटलाइन है, और कोर्स आउटलाइन में बेसिकली इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपका हार्डवेयर की इंट्रोडक्शन है, कंप्यूटिंग कंपोनेंट्स, फिर इंटरनेट की कुछ बैकग्राउंड है कि इंटरनेट क्या होता है और उसमें उसकी क्या हिस्ट्री है और उसकी क्या फ्यूचर है, और इसी तरह फिर सिक्योरिटी और एथिक्स और प्राइवेसी के बारे में कुछ डिस्कशन है, और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर। ये सारे 5 जो टॉपिक्स हैं, ये सारे 5 चैप्टर्स में से हैं आपकी बुक के। तो लेट मी शो यू द बुक एज वेल।
ओके सो बुक चलें बुक के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि बुक इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज इसके अंदर अगर कोई भी चैप्टर आप देखें तो उसमें फर्स्ट दे इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स और बहुत बेसिक डेफिनेशन है विद सो मैनी पिक्चर्स टू यू नो सपोर्ट व्हाट दे आर सेइंग, और उसके बाद फिर जो अच्छी बात इसमें एक दो है वो ये है कि अगर आप चैप्टर के एंड पे जाएं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एक्सरसाइजेस जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इस तरह के जो कि आपको आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हैं आपकी स्टडी के लिए, और इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और इसी तरह मैचिंग के क्वेश्चंस हैं, कंसिडर दिस की कुछ चीज़ें हैं जो कि सॉर्ट ऑफ लाइक क्वेश्चंस हैं लेकिन वो थोड़ी डिस्कशन ओरिएंटेड है, और सो ये एंड को आप पहले देख लीजिएगा जब भी आप इसको बुक करेंगे स्टडी, तो एंड को आप एक दफ़ा एक रीडिंग देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह से पढ़ना है बुक को, किस तरह से उसको उसमें से चीज़ों को याद भी रखना है। तो उसमें क्विजेस का क्वेश्चन आपके जहन में शायद हो, तो क्विजेस मैं मूडल पे ही लूँगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और शायद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हों उसके अंदर, और उसके अलावा जो है असाइनमेंट्स तो है नहीं इस कोर्स के अंदर। क्लास एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन डेफिनेटली वो मेरे जहन में भी है, वो आपके आपकी जब लैब्स होंगी जो प्रैक्टिकल काम होगा तो उसमें मैं आप सब लोगों ऑब्वियसली तीन तरह के लोग होंगे ना, एक तो ये होगा कि जो सामने बैठे हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, और जो दूसरे नंबर पे हैं जो लोग के घर बैठे हैं लेकिन उनके पास कंप्यूटर्स हैं, और कुछ हैं जो घर बैठे हैं और उनके पास कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं, तो जो इनके पास तो है उनको मैं गाइड करूँगा कि वो सॉफ्टवेयर जो हमने यहाँ यूज़ करने हैं वो वहाँ पर इंस्टॉल कर लें और जूम पे कनेक्टेड रहें, और साथ साथ वहाँ पे अपने घर पे उसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें और उस हमसे कम्युनिकेट लाइव करें और फिर सेंड करते हैं अपने रिजल्ट। जब आप लोग भी जब घर पे होंगे आप लोग इस तरह से कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही हो जाए। अब वो लोग जिनके पास कंप्यूटर्स नहीं है वो रह जाते हैं, या जिनके पास इंटरनेट स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो उनका ऑब्वियसली मैं भी अभी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। वर्स्ट केस तो यही होगा कि हम उन्हें असाइनमेंट्स टाइप दे देंगे फिर वो सबमिट करेंगे ड्यूरिंग द वीक्स जिसमें प्रैक्टिकल काम हो रहा है, या ये है कि जब वो वापस आते हैं आप लोग तो तब क्लास में उसको रिपीट किया जाए। अगर नहीं है तो प्लीज़ ट्राई कि अगले एक मंथ में कोई बिल्कुल ही कोई अच्छा कंप्यूटर नहीं चाहिए इस कोर्स के लिए, एटलीस्ट बहुत ही एवरेज किस्म का कंप्यूटर भी चलेगा, अरेंज अगर हो जाए तो इट्स रियली गुड, क्योंकि इवेंचुअली आपने या जो लोग इस वक्त ऑनलाइन है किसी ना किसी ने तो ऑनलाइन होना ही है, तो प्लीज़ कंप्यूटर्स को थोड़ा सा कर लें। ये आपका ओवरव्यू है अबाउट द इंट्रोडक्शन, और इसमें बेसिकली बहुत बेसिक सी चीज़ें आती हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं वो व्हाई वी नीड कंप्यूटर्स, देर इज़ समथिंग कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी विच गोज अराउंड इन मीडिया फॉर knowing computers and how to use computers for your work, so its importance is always mentioned everywhere, so it involves having a current knowledge and understanding of computers, so all the devices which are computers based on computers, so there are devices which you don't realize that they are based on computers but they are actually based on computers, there are so many devices, so आपके जो टैब्स हैं आपकी स्मार्ट वॉचेज आपके फोन्स आपके हेल्थ बैंड्स आपके आपकी कार्स आपके आपके फोन्स की शायद बात हो गई है, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स हैं, और किसी ना किसी शक्ल में आपके माइक्रोवेव्स रेफ्रिजरेटर्स कुछ वो ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स, और इट्स गुड टू हैव सम डिजिटल लिटरेसी इन ऑर्डर टू बेटर यूज दोज
computers. But what is a computer? Essentially, if we talk about computers in generality, so computer is a device which takes some kind of input from you, and it computes or performs some calculations, or in generally we call it computation, and then transforms that into some kind of output, which is a result which is useful for you. So is transformation ko possible computer banata hai, theek hai? So usme kuch terms use hoti hain, ek data ki term hai aur ek information ki term hai. Uski example kuch yun hai ki idhar ek example likhi hui hai ki aap jaate hain, you go to a subway store, subway outlet, and you order some things like, ye aapka order hai ki you want two medium sodas, one turkey sub and one Caesar salad, aur ye aapne na bahut sari cheeze usko bata di jo clerk wahan pe khada hua hai aur wo aapka order le raha hai ki ye cheeze mujhe chahiye. Ab har cheez ki individual price unke database mein saved hai ki ek jo medium drink hai wo 149 ka hai for example, aur एक जो सब सैंडविच है वो टर्की सैंडविच है वो 349 ईच है, ठीक है, और कुकी जो है वो 039 का है फॉर एग्जांपल. ये प्राइसेस उनके उनके डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है. तो लेकिन क्वांटिटीज आपने बताई हैं और कौन सी मेन्यू में से आइटम सिलेक्ट करने हैं वो आपने बताए, तो वो बहुत क्विकली वो चीज़ें एंटर करता है और आपसे कहता है कि आप रफली इतने अमाउंट दे दें, तो आपने या आपने खुद से उसको $20 दे दिए. तो अब चूंकि वो कंप्यूटर में सारी चीज़ें उसने एंटर की हैं, तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्राइस उस पर्टिकुलर आइटम की टोटल प्राइस क्या बन रही है. जैसे ड्रिंक्स की टोटल 298 बन रही है और कुकीज़ की टोटल 117 बन रही है, और उस पर जो टोटल ड्यू है और जो भी अगर टैक्स कैलकुलेशन है उसमें टैक्स भी ऐड हो जाएगा, तो आपकी अमाउंट में से ड्यू अमाउंट को वो माइनस करके. अब आप देखें कि हम पुराने ज़माने में तो हर वक्त हमें एक डिले फील होता था कि यार जब जो चेंज कैलकुलेट करते थे ना लोग, अब वो सोच रहे हैं या हम भी सोच रहे हैं या कैलकुलेटर पे कर रहे हैं. अब आप देखें कि वो नहीं सोचते बिल्कुल. ये जितने बड़ी चेन्स हैं या स्टोर्स हैं, बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं, वो डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करते. वो स्क्रीन पर लिखा आता है और वहीं से वो निकालते हैं उतना कैश जितना डिफरेंस लिखा हुआ है, वो आपको पकड़ा देते हैं. दे डोंट बॉदर कैलकुलेटिंग कि अगर 1700 बिल है और आपने 2000 दिया है तो 300 वापस करने हैं. वो आप कैलकुलेशन अपनी होती है, मेंटल मैथ्स अपनी होता वो वाला, तो वो कंप्यूटर्स की वजह से, राइट. तो हम कहेंगे इस एग्जाम्पल के अंदर दिस इज द डेटा एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन. सो डेटा और इंफॉर्मेशन एक टर्म है जो कि कॉमनली यूज की जाती है कंप्यूटर साइंस में. Data is everything which has no useful meaning right away, but when the computer receives that data and performs some calculations on the data and produces some output, and that output is now has some meaning for us, that becomes information. So data or information ko transform karne ke liye hum computers ko use karte hain. So uske liye acha uske liye karna kya padega, what do we need to do? We need to store the entire data, and we need to computes each item's total price. So ये कोई ऐसा procedure है जो कि उस particular application पे ही apply होता है. और वो particular application क्या है कि आपने bill calculate करना है, bill की amount calculate करनी है. तो अच्छा फिर क्या होता है कि कुछ stores हैं उनकी bill calculation किसी और तरह होती है, कुछ की किसी और तरह होती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ हैं जिनकी प्राइस में ऑलरेडी टैक्स इंक्लूडेड होता है, कुछ हैं जिनमें नहीं होता, जिनकी एंड पे टैक्स ऐड होता है. इसी तरह कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जो कि जिन्होंने कोई डील्स रखी होती हैं, डील्स अप्लाई होती हैं उसके ऊपर, कुछ ऐसे जिन्होंने पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई डील अप्लाई की होती है. ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करके किसी एक पर्टिकुलर स्टोर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है. तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये वाला, ये आप समझें कि इस सबवे के लिए ये वाला हमने, और इस पूरे इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं, वी कॉल इट ए प्रोग्राम, और वी इवन एट सम टाइम्स वी कॉल इट एन एल्गोरिथम, राइट.
तो एक एल्गोरिदम भी है कि आपने ये काम करने हैं और उस एल्गोरिदम की बेस पे रिजल्ट्स जनरेट करने, ठीक है? तो और अगेन ये प्रोग्राम जो है, जब कोई जो क्लर्क है या स्टोर मैनेजर इसको ओपन करेगा, उसको एक इंटरफेस नजर आएगा, बस उसमें लिखा होगा यहाँ पे प्राइस एंटर कर दें, नेक्स्ट क्लिक कर दें। उसके पीछे उसकी बैकग्राउंड में ये कोड चल रहा है, ये एल्गोरिदम चल रहा है, जो कि कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स नॉर्मली या ऐसे लोग जो समझते हैं वो लिखते हैं उस कोड को, और उसकी बेस पे ये एप्लीकेशन बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, ठीक है? एंड दे यू नो दे चार्ज फॉर दैट सर्विस। हाउ डू वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर? वी यूज इनपुट डिवाइसेस लाइक अ कीबोर्ड। कीबोर्ड्स बहुत सी शक्लों में आते हैं, डेस्कटॉप कीबोर्ड भी होते हैं, लैपटॉप के भी होते हैं, कुछ प्रोजेक्टेड कीबोर्ड्स भी होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड्स, इंफ्रारेड या इस तरह से, और कुछ मिनी कीबोर्ड्स होते हैं जैसे ब्लैकबेरी के, या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स होते हैं जो कि इस तरह से ड्रॉ हुए होते हैं स्क्रीन पे। और तो कोई, अच्छा इधर वापस चलते हैं, कोई और एग्जांपल किसी के जहन में आती हो कि डेटा और इंफॉर्मेशन, ऐसी एग्जांपल जिसमें डेटा और रियल लाइफ एग्जांपल हो जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन और कंप्यूटेशन अलग अलग तीनों पार्ट्स आपको आ रहे हो, ब्रेन में आ रहे हो। इट्स अ वेरी डिस्क्रीट एग्जांपल जिसमें बिल्कुल मतलब अलग अलग ऐसे करके ना, तो आजकल चीजें इतनी मिक्सअप सी हुई हैं कि वो मतलब उसको इतना अलग अलग देखना शायद उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि उसकी एक एग्जाम्पल हो सकती है कि आप लेटर टाइप करते हैं, तो योर ऑब्जेक्टिव इज कि आपने लेटर टाइप करना है और आपने उसको प्रिंट करना है। उसमें अब इस एग्जाम्पल में डेटा क्या होगा और इन्फॉर्मेशन क्या होगी? योर ऑब्जेक्टिव इज के जो टाइपिंग आप कर रहे हैं वो टाइपिंग, एक तो ये है कि एज डेटा सेव हो जाए, दूसरा ये है कि वो किसी खास कॉम्पोजिशन और खास पैटर्न के साथ नजर आए, यानी कि हेडर अलग से हो, फुटर अलग से हो, बॉडी अलग से हो, सब्जेक्ट लाइन का फॉर्मेट कुछ और हो, सिग्नेचर के लिए अंडरलाइनिंग हो, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके जहन में है, मार्जन्स खास तरह के हो, कोई खास तरह का बैकग्राउंड लगी हुई हो, यू नो। तो इस एग्जाम्पल में डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होगी? डेटा वो है जो आपने टाइप किया, जो रॉ प्लेन डेटा है, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, वेयर यू कम फ्रॉम, डेट क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन जिस शक्ल में वो नजर आ रहा है कंपोज होने के बाद, जिसमें उसकी अलाइनमेंट्स हैं, फॉन्ट साइजेस हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने कंप्यूटर को बताई हैं, लेकिन कलेक्टिवली वो जो लेटर अब बन गया, दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर अस। और पिक्चर्स के बारे में क्या ख्याल है? पिक्चर्स जब हम वी यूज अ कैमरा टू टेक अ पिक्चर, राइट? तो पिक्चर में, और पिक्चर में डेटा और इंफॉर्मेशन का कोई एग्जांपल किसी के जहन में आती है? व्हाट अबाउट फेस रिकग्निशन? तो आपने कैमरा से पिक्चर लिया है, और या आपने कैमरा को अपने सामने, तो कैमरा ने सिंपली जो प्रोजेक्टेड लाइट है वो कैप्चर की है उसके सेंसर ने, तो जिस वक्त उसके सेंसर ने वो सारे पिक्सल्स कैप्चर किए हुए हैं और सेव किए, तो वो डेटा है। और जिस वक्त वो उसमें रिकग्नाइज करता है कि ये वाला बंदे का फेस है और ये वाला एक और बंदे का फेस है, तो दैट इज नाउ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन पहले उस कंप्यूटर के पास नहीं थी। ओके, सो स्कैनर, स्कैनर के बारे में क्या ख्याल है कि स्कैनर जो है वो, आपने स्कैनर किसी ने देखा? स्कैनर देखे होंगे आपने, तो स्कैनर जो है वो आपको क्या लगता है कि वो डेटा डेटा कंप्यूटर तक पहुंचा रहा है या कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हमें वापस दे रहा है? इट इज गिविंग डेटा टू द कंप्यूटर, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल प्रिंटेड पेज को स्कैन करता है और उसको, उसकी एक तरह से पिक्चर खींचता है, इट टेक्स अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज और कंप्यूटर को दे देता है, तो ये डेटा है। अच्छा, किसी ने ओसीआर का नाम सुना है? इसको गूगल करें, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी लोग अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। ओसीआर को जरा गूगल करें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, राइट? और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें कि ये होती क्या है। तो यहाँ पे मेरे पास आई कैन सी टू फाइल्स विद द नेम अनटाइटल्ड, एक का नाम है अनटाइटल्ड डॉट जेपीजी और एक का नाम है अनटाइटल्ड डॉट टीएक्सटी, राइट? तो इनके प्रीव्यू की बजाय इनको अगर हम ओपन कर लें, अगर मैं इसको ओपन करता हूं,
तो ये एक तरह का पिक्चर है, राइट? मैं इस टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकता, दिस इज एन अनएडिटेबल टेक्स्ट। आपने ऐसी पीडीएफ फाइल्स कभी डाउनलोड की होंगी जिसमें आप कोशिश कर रहे होंगे कि यार ये टेक्स्ट किसी तरह कॉपी हो जाए, कॉपी पेस्ट हो जाए, वो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा क्योंकि वो इमेज फॉर्मेट में, वो पिक्सल्स के फॉर्मेट में है, वो वेक्टर फॉर्मेट में नहीं है, यानी कि वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है। तो अगर मैं इसी को दूसरी वाली फाइल को ओपन करता हूँ, जो टेक्स्ट मैंने लिखा था मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है? तो दूसरा वाला जो है वो कैरेक्टर फॉर्मेट में है। OCR क्या करता है कि JPEG फॉर्मेट को लेता है और टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो टेक्स्ट में कन्वर्जन कहलाती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन,